क्या आपने ये कहावत सुनी है कि ये चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था? और इस कहावत का मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि जो पहले रिच फैमिलीज थी, वेल्दी फैमिलीज थी इंडिया की, वो अपने बच्चों को सिल्वर स्पून से फीडिंग करवाते थे। और वो इसलिए करवाते थे क्योंकि सिल्वर इज एंटी जर्म, मतलब वो जर्म्स को किल कर सकते हैं। अगर आपने 2003 में 1 किलो चांदी खरीदी होती तो आपको 7,000 रुपये में मिल जाती, और वही एक साल में आपको रिटर्न 52% मिलता, और 8 साल तक अगर आप होल्ड कर लेते तो 640% आपको रिटर्न मिलता। कोई बात नहीं, अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया है तो चांदी में अभी तेजी फिर से आई है। क्या आपको अब सिल्वर खरीदना चाहिए? हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। आपको चांदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसकी हिस्ट्री, उसके रिस्क और रिटर्न्स के पैटर्न, क्या शेयर मार्केट और चांदी में कोई रिलेशन है, या शेयर मार्केट जब गिरता है क्या चांदी बढ़ती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में कितनी चांदी होनी चाहिए, वो सारी बातें आज करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सिल्वर का रेट इतना बढ़ता है, घटता क्यों रहता है? इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, पर एक रीज़न है उसका डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड भी ना सिर्फ ऑर्नामेंट्स या इन्वेस्टिंग के लिए है, इसकी डिमांड इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी है। इनफैक्ट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस सिल्वर का यूज उनके प्रोडक्ट्स में है। इनफैक्ट 60% जो अप्लायंसेज है इंडस्ट्रियल यूज में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एंड टेक्निकल थिंग्स, और बाकी 40% ही इन्वेस्टिंग्स के लिए बचता है। एज पर अ रिसर्च, इट सेज कि जो डिमांड है सिल्वर का वो 6 साल के बाद 2021 में फिर से सप्लाई से ज़्यादा है। मतलब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, और 2022 में भी यही एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड सिल्वर का होगा वो सप्लाई से ज़्यादा होगा। और ये आपने अभी देखा ही है कि 2025 तक तो शायद और बढ़ जाए। आपकी स्क्रीन के सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें डिमांड ऑफ सिल्वर इज इंक्रीजिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डे बाई डे, ईयर ऑन ईयर इन सारी इंडस्ट्रीज में। अकॉर्डिंग टू सिल्वर इंस्टीट्यूट रिलीज जो November 17th, ग्लोबल डिमांड जो सिल्वर की है वो इस साल हिट कर सकती है 1.21 billion ounce, विच इज 16% इंक्रीज फ्रॉम 2021 की डिमांड। न्यू हाइट्स आर प्रिडिक्टेड फॉर फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिमांड, ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर। ये सब सुनने के बाद हम इंडियंस को जनरली लगता है कि हम ऑर्नामेंट्स सिल्वर में इतना इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर को इतना अच्छा मानते हैं कि स्वीट्स पर भी सिल्वर कोटिंग करते हैं, तो शायद सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में होगी सिल्वर की। बट ऐसा नहीं है। सिल्वर का यूसेज इन कंट्रीज़ की एज पर द प्रायोरिटी लिस्टिंग आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, और इन फैक्ट इंडिया तो प्रोड्यूसिंग कंट्री में भी नहीं है टॉप पे। तो अब आप ये समझ गए हैं कि सिल्वर की डिमांड की वजह से सिल्वर के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। अब हम इसका रिलेशन समझते हैं शेयर मार्केट से, क्या शेयर मार्केट और इसमें इन्वर्स रिलेशन है भी या नहीं। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जब भी शेयर मार्केट डाउन जाएगा सिल्वर गोल्ड बढ़ जाएगा, या फिर सिल्वर गोल्ड डाउन है तो शेयर मार्केट बढ़ जाएगा। बट आपके स्क्रीन के सामने ये कुछ डेटा है जिसमें जब जब शेयर मार्केट क्रैश किया है या करेक्शन लिया है शेयर मार्केट ने, तब तब सिल्वर भी ऑलमोस्ट डाउन गई है। हाँ, गोल्ड से थोड़ा इन्वर्सली रिलेटेड है शेयर मार्केट, बट सिल्वर एंड शेयर मार्केट इज ऑलमोस्ट गोइंग डाउन। इनफैक्ट एज पर अ सर्वे, सिल्वर अगर मार्केट डाउन जा रहा है या करेक्शन ले रहा है तो तभी चलेगा जब पहले ही बुल रन था मार्केट में, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। इस टाइम पे गोल्ड ज़्यादा चलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रियांशी, ये डेटा सारा सुनने में ठीक है, बट कैसे पता चलेगा कि अब सिल्वर बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, या क्या होने वाला है? यूएस जो है वो अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट कर रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही है। पर उनको जल्द ही रियलाइज़ होगा कि इंटरेस्ट रेट्स को अब कम करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन इज सेटल्ड। और जब ये होगा इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजनिंग, और ये जब क्वांटिटेटिव ईजनिंग होगी तो सिल्वर का रेट, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, यानी कि वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अगर आपने 2003 में सिल्वर खरीद के 8 ईयर्स तक सिल्वर को रखा होता, यानी कि 2011 तक, जो वो 2011 में सिल्वर के रेट बढ़े थे वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग की वजह से बढ़े थे। यानी कि अब अगर US फिर से इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगी और क्वांटिटेटिव ईजनिंग करेगी तो सिल्वर की पॉसिबिलिटी है फिर से बढ़ने की। अब आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि क्या अभी हमें सिल्वर में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? सिल्वर अभी हाई पे है तो क्या इससे ज़्यादा हाई पे जाएगा या फिर वापस से नीचे आ जाएगा? तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और कोई भी प्राइजेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट में एंट्री का राइट टाइम नहीं पता कर सकता है। बट हाँ, हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो अभी करंट प्राइस चल रहा है
वो लास्ट जो 9th मार्च का प्राइस था दैट वॉज 73,000 अराउंड, वो टच कर सकता है एज पर आर एनालिसिस, बट इट इज नॉट अ श्योरिटी एंड अगेन इट इज नॉट एनी रिकमेंडेशन। दो, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि सिल्वर का रेट बढ़ता या घटता क्यों है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्योंकि उसकी डिमांड है, बट बहुत से दूसरे रीजन्स भी होते हैं। इनफैक्ट आपके स्क्रीन के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो रेट्स थे 9th मार्च, 19th अप्रैल और 14th दिसंबर, इन डेट्स पे जो डॉलर के रेट्स थे उसकी वजह से भी सिल्वर के रेट्स अफेक्ट हुए। यानी कि अगर आप इंडियन सिल्वर के रेट्स देखेंगे तो 9th मार्च 2022 और 14th दिसंबर 2022 के जो रेट्स थे उसमें बहुत डिफरेंस इस वजह से भी है क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो 8% ग्रो कर गया। वहीं इंटरनेशनल सिल्वर में तो आप अगर देखेंगे तो 0.6% सिल्वर अभी लो पर चल रहा है, बट एज पर सिल्वर इंस्टीट्यूट आपको आपके पोर्टफोलियो में 4-6% का सिल्वर पोर्टफोलियो बनाना ही चाहिए। और आपके सामने एक चार्ट रहेगा कि इतने परसेंट अगर आप बनाते हैं तो ये हाई रिस्क है, इतने परसेंट तो लो रिस्क, और व्हाट इज मीडियम रिस्क। इसके हिसाब से आप उनके इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट्स को बिलीव करके अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। राइट एंट्री और करेक्ट एंट्री का कोई टाइम नहीं होता है, तो ये रिपोर्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, आप उसको रीड करके भी अपना सिल्वर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर।